नमस्कार दोस्तों, जीवन श्रृंखला में दीप गुंजन पर आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम जीवन को एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा आज के समय में जो क्वांटम फिजिक्स है या जो आधुनिक विज्ञान आप कह सकते हैं, आधुनिक विज्ञान जो बताता है कि ये पूरा का पूरा संसार तरंगों का संसार है। तरंग अर्थात जैसे पानी में लहरें होती हैं, लेकिन उन लहरों को देख के ये पता लगता है कि वो पानी का ही हिस्सा है, लेकिन हम किस चीज़ का हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं धरती पर हूँ, लेकिन ये धरती कहाँ पर है? ये शून्य आकाश के बीच में कहीं तैरता हुआ या लटकता हुआ एक भूभाग है, एक ग्रह कह सकते हैं आप, एक ग्रह है जो पता नहीं आसमान के बीच में कैसे झूल रहा है और इस पर हम अपना जीवन जी रहे हैं। अगर आप सही से समझना चाहें तो एक प्रयोग करके देखें। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और खोजिए कि मैं कहाँ हूँ। अगर आप ये भी नहीं खोज सकते मैं कहाँ हूँ, तो ये खोजिए कि मैं क्या हूँ। जब आप ये खोजने लगेंगे मैं क्या हूँ, तो आपको निश्चित ही कुछ चीज़ें महसूस हो रही हैं। जैसे ये जो हिलती हुई चीज़ें हैं, इनको हम हाथ कहते हैं, लेकिन अगर हम इनको हाथ का लेबल भी ना दें और इन सारी चीज़ों को एक ही लेबल दे दें, ऊर्जा का, तो ये क्या है? ये ऊर्जा है जो एक अलग रूप में दिखाई देती है। जब आप आँख खोलते हैं तो हमें शरीर दिखाई देता है, ज़मीन दिखाई देती है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। ये सब असल में क्या है? ऊर्जाओं ने अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ऐसी 8 चीज़ें जो आपके जीवन को एक ऊर्जा के रूप में प्रभावित करती हैं, यानी आपके जीवन को अच्छा भी बना सकती हैं 8 चीज़ें और आपके जीवन को खराब भी बना सकती हैं। खराब का अर्थ क्या है? खराब का अर्थ है कि आपकी थिंकिंग नेगेटिव रहेगी, आपके मन में चिंताएं घूमती रहेंगी। लेकिन अगर आप इस तरह से जीवन को देखते हैं कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, लेकिन फिर भी ये ऊर्जा का एक भंडार मुझे मिला हुआ है ना, ये शरीर आपके लिए एक ऊर्जा का भंडार है। इसके माध्यम से आप संसार में कुछ भी कर सकते हैं। क्या पहाड़ हिलाएंगे? पहाड़ नहीं हिला सकते, लेकिन एक मिट्टी का ढेला तो उठा ही सकते हैं। तो कुछ न कुछ बदलाव आप कर सकते हैं। अब आप ये मान के चलिए कि आप शाम को सो गए और आपने एक सपना देखा। उस सपने में आपको एक ऊर्जा का पूरा क्षेत्र मिला, एक पूरा शरीर मिला, और उस शरीर के माध्यम से आप अपने सपने को जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। तो सुबह जब आपकी आँख खुलेगी तो आप कैसा महसूस करेंगे? अच्छा, क्यों? क्योंकि वो सपना आपके ऊपर थोपा नहीं गया था, वो सपना आपने अपनी मन मुताबिक जिया। वैसे ही अगर ये जीवन आपके ऊपर थोपने की बजाय अगर आप इसे अपने मन मुताबिक जीने लगे तो कैसा रहेगा? क्या मरते समय कोई दुख, कोई कष्ट, कोई चिंता, कोई फिक्र रहेगी या खुशी होगी? तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है? इसके लिए एक ही प्रयोग जो शुरुआती मेरे द्वारा सुझाव में आया खुद के लिए, वो ये था कि आँख बंद करके बस आप महसूस करो इस ऊर्जा को। जिस चीज़ को हम पैर का अंगूठा कहते हैं वहाँ से लेकर, जिस चीज़ को हम ये अंगूठा कहते हैं हाथ का, यहाँ तक हर एक चीज़ को महसूस करो। हम इस ऊर्जा क्षेत्र को हिला सकते हैं। एक फाइटर इसको और तेज़ी से हिला सकता है, और जो एक बिल्कुल दक्ष इंसान है वो किसी भी तरह की योगिक क्रियाएं कर सकता है। वो कैसे कर पाता है? क्योंकि उन्होंने सिस्टम के अंदर झाँका है, सिस्टम को भीतर से निखारा है। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में आगे की बातों के साथ। तब तक के लिए